फ्रेंड्स वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एचपी करंट अफेयर 2019 के बारे में। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रीवियस सिक्स मंथ्स के हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपका अभी पटवारी का एग्जाम आने वाला है, आपका एचपी पुलिस का एग्जाम होगा, एलाइड का आपका एग्जाम होगा अक्टूबर में, और एचएस का जो अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए जो है ये करंट अफेयर जो सिक्स मंथ्स के हैं वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपका पार्ट वन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए पूरी देखने के बाद तभी लाइक कीजिएगा, बट कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी के थ्रू जो है हम बजट के क्वेश्चन, इकोनॉमिकल सर्वे के क्वेश्चन और थोड़े बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन भी जो है इसी में कवर कर लेंगे। तो सभी तरीके से देखा जाए तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमप्रस्थ की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कब की गई थी, यानी कि यहाँ पर पूछा गया हिमप्रस्थ। हिमप्रस्थ क्या है? एक तरह का आप पब्लिकेशन समझ सकते हैं, एक तरह का आप न्यूज़पेपर समझ सकते हैं, जैसे कि गिरिराज है, तो उसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 1955 में। जो भी क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, ताकि आपकी जल्दी से रिविजन हो जाए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक के मध्य शिमला में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता जो है वो किया गया है, तो वो किया गया है आपके 4 करोड़ रुपए का, या फिर आपके पास डॉलर में पूछा जाए तो 40 मिलियन डॉलर। किन किन के बीच में? फर्स्ट हो गया एचपी, फिर हो गया आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आपका रिपीट हो सकता है कि जो आपका शिमला में पानी की आपूर्ति के लिए जो भी 4 करोड़ का समझौता किया गया था, तो वो हिमाचल प्रदेश और किस देश के बीच या किस संस्था के बीच में किया गया है या किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में किया गया है, तो वो किया गया है आपका वर्ल्ड बैंक के बीच में। तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2019 को अपना कौन सा पूर्ण राज्य दिवस सोलन जिला के कुनिहार में मनाया। सबसे पहले याद रखना है आपको कहां पर मनाया गया था, वो मनाया गया था कुनिहार। कुनिहार पड़ता है आपका सोलन जिले में, तो ये कौन सा था, वो था आपका 49th, यानी कि 49वां आपका जो हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राजस्व दिवस था वो मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मतदाता पुरुष किस संसदीय क्षेत्र में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो और बाकी जीके के अंडर भी ये पड़ता है कि मतदाता पुरुष जो है किस संसदीय क्षेत्र में पूछा गया है, तो वो है आपके कांगड़ा के सुलह में। सबसे कम की बात करें तो वो है आपके लाहौल स्पीति में, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल भी जो मतदाता है वो सबसे ज्यादा कांगड़ा सुलह में है, और सबसे कम है आपकी लाहौल स्पीति में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन लगाओ रोजी कमाओ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। अगर कई बार क्या होता है एचएस वगैरह और एलाइड वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वहां पर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में युवाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। परसेंटेज पूछा गया है कि जो आपके युवा होते हैं उनकी जनसंख्या जो है कितने परसेंट है, तो वो है 35.25%। बात करें अगर इंडिया के केस में तो वो है 34.80%। तो दोनों परसेंटेज आपको याद रखनी है, मेन आपको हिमाचल प्रदेश की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में 15 से 34 आयु वर्ग में नवीनतम साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, जो आपका 15 से 34 आयु वर्ग का ग्रुप है उनकी साक्षरता दर यहाँ पर पूछी गई है कितनी है, कितनी परसेंट में है। ठीक है, परसेंट में पूछी जाती है, तो वो है आपकी 95%। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत परित्यक्त महिलाओं व विधवा महिलाओं को 18 वर्ष से नीचे की आयु वाले 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिवर्ष जो है वो कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी, तो वो की जाएगी आपकी 6,000 रुपए प्रति वर्ष। किसके अंतर्गत? मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, और 35,000 महिलाओं को जो है इसका लाभ मिलेगा, तो ये आपको अमाउंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है, बट हम प्रीवियस सिक्स मंथ के जो है वो कवर कर रहे हैं, तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और हो सकता है कि 2018 के भी मैं कुछ इंक्लूड करूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जो है कांटेदार बाड़ लगाने के लिए किसानों को कितना उपदान, उपदान को बोलते हैं सब्सिडी जिनको नहीं पता है, ठीक है, उपदान बाड़ लगाने के लिए जो है दिया जाएगा। जो भी किसानों के खेत होते हैं उसकी चारों तरफ जो है अगर जो जंगली जानवर होते हैं उनसे फसल को बचाने के लिए वहां पर कांटेदार तार लगाने के लिए जो है वो सब्सिडी दी जाती है, तो वो पूछी गई है कि कितनी परसेंट सब्सिडी दी जाती है। तो अगर कोई व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत मतलब अगर कोई अकेला किसान, एक किसान अगर उस बाड़ को लगाता है तो उसको मिलेगी 50% सब्सिडी। ठीक है, बट अगर कोई सामूहिक रूप से यानी कि 3-4 किसान मिलकर जो है उसको
बाढ़ को लगाते हैं तो उनको मिलेगी 70% सब्सिडी, यानी कि एक अकेले को 50% और अगर मोर देन वन और टू हैं ठीक है तो उनको मिलेगी 70%, यानी कि अगर उनका समूह है तो दोनों तरीके से जो है आपको पता होना चाहिए। और किसके अंतर्गत, वो है आपकी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, ठीक है, यानी कि खेतों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फसलों को पशुओं से संरक्षित रखने के लिए चलाई गई योजना का क्या नाम है, ठीक है, तो वो है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जिसके बारे में हमने अभी बात किया है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको दोनों तरीके से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना के लिए वर्ष 2019 में कितना बजट प्रदान किया गया है, ठीक है, जो मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना है, ठीक है, जो पॉलीहाउस निर्माण से रिलेटेड है, तो इसके लिए कितना बजट रखा गया है, जो हाल ही में जो इस साल का बजट था तो वो रखा गया 778.57 करोड़, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उनमें हम सभी जो एरिया को बजट में कितना कितना करोड़ रुपए मिले हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो नेक्स्ट पार्ट लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है। नेक्स्ट है, गिरिराज समाचार पत्र की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ठीक है, हिमप्रस्थी मैंने आपको बता दी, यहाँ पर पूछा गया है गिरिराज समाचार पत्र की शुरुआत जो है वो कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 1978 में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय विधानसभा अकादमी हिमाचल में कहाँ खोली गई है, ये आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधानसभा अकादमी जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, तो वो है आपकी तपोवन धर्मशाला में। एशिया का पहला कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाला राज्य कौन सा बना है, ठीक है, तो वो बना है हिमाचल प्रदेश, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई होगी, अगर आप जीके स्टडी के डेली फॉलोअर्स हैं तो आपको पता होगी, और ये पुलिस में भी क्वेश्चन जो है आई थिंक पूछा गया था, तो इसकी जो सही आंसर है वो है ताशीगंग या ताशीगोंग। अगर इसकी बात करें समुद्र तल से ऊंचाई की, तो 15,256 फीट पे जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है, टोटल जो है 48 यहाँ पर वोटर्स हैं, जिसमें से 30 मेल हैं और आपकी 18 जो है वो फीमेल है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि सबसे यंगेस्ट कौन मतदाता है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, बट फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि सबसे ऊंचा दुनिया का मतदान केंद्र कौन सा है, तो वो है ताशीगंग, ठीक है। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2019 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा राज्य दिवस शिमला के रिज मैदान में मनाया गया, यानी कि कौन से नंबर का, तो वो था आपका 72, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 22 जुलाई 2019 को भूतपूर्व केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री श्री कलराज मिश्र ने 78 वर्ष की आयु में हिमाचल के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की, तो उन्होंने की थी 26वें राज्यपाल के रूप में, और पहले इससे पहले क्या थे, वो थे आपके केंद्रीय मतलब भूतपूर्व केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री, तो ये याद रखना है आपको। पहले कौन थे, आचार्य देवव्रत, उनका जो तबादला हो गया था, यानी कि अब जो है वो गुजरात के हैं, ये मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल के कितने जिलों और कितनी तहसील और सब तहसीलों में बंदरों को हिंसक जानवर यानी कि वर्मिन जो है वो घोषित कर दिया गया है, तो वो किया गया है 11 जिलों और 91 तहसीलें और सब तहसीलों में, यानी कि तहसीलों और सब तहसीलों को मिलाकर 91 और 11 डिस्ट्रिक्ट हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ये भी होता है कि किस राज्य में जो है वो मॉन्कीज जो होते हैं उनको वर्मिन घोषित किया गया है, तो वो है आपका, उसका आंसर आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद ग्रहण किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम इन्होंने जो है पद ग्रहण किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इससे पहले वो मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे, ये भी आपको याद रखना है कि एक तो फर्स्ट आपको कौन नया बना है, सेकंड वो पहले कहां थे, तो वो थे आपके मद्रास में अतिरिक्त पद पर, और इससे पहले जो थे वो थे आपके सूर्यकांत जो थे जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शून्य लागत पर जीरो बजट जिसको बोलते हैं पर आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया है, तो वो किया गया है आपका प्राकृतिक खेती समृद्ध किसान योजना का, ठीक है, जीरो बजट जो फार्मिंग होती है नेचुरल फार्मिंग, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शून्य लागत पर आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सिस्टम पर आधारित प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है तथा मिट्टी की जो उर्वरकता होती है उसको बढ़ाना है, ठीक है। वर्तमान में जो है 39,790 किसान प्रदेश में प्राकृतिक खेती जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जिसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, औषधीय पौधों के विकास के लिए क्षेत्रीय सुविधा केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहां पर जो है वो स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका जोगिंद्रनगर मंडी,
ठीक है। तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मंडी के जोगिंदर नगर में औषधीय पौधों के विकास के लिए क्षेत्रीय सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र की स्थापना जो है ये इंपॉर्टेंट है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की जाएगी, ठीक है। जो आपका आयुष मंत्रालय है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की जाएगी। संस्थान को बनाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा। संस्थान को निर्मित करने के लिए कुल 748.30 लाख रुपीज का प्रावधान है, ठीक है। और केंद्र द्वारा जो है इसकी 149.60 लाख रुपए राशि जो है प्रदान की जाएगी, ठीक है। यानी कि जो है हिमाचल का जो है इसमें ज्यादा व्यय होगा और केंद्र सरकार के द्वारा अराउंड 150 लाख रुपीज जो है दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2019 में बेटियों और वनों की सुरक्षा के लिए कौन सी नई योजना जो है वो लागू की गई थी, जो 2019 में स्कीम्स लागू हुई है उनमें से एक क्वेश्चन है, तो इसका नाम है एक बूटा बेटी के नाम, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए देसी नस्ल की गायें खरीदने के लिए कितने प्रतिशत का अनुदान यानी कि सब्सिडी जो है वो दी जाती है, दी जाएगी, ठीक है। तो वो दी जाएगी आपकी 50% की, यानी कि देसी नस्ल की अगर कोई गायें खरीदता है तो उसको 50% का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार बजट में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी कि उसके लिए कितने करोड़ रुपए रखे गए हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, तो उसके लिए रखे गए हैं आपके 600 करोड़ रुपए, ठीक है। याद रखिएगा 600 करोड़ किसके लिए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट है, इस बार के बजट में कौशल विकास भत्ता योजना, आपने सुना होगा कौशल विकास भत्ता दिया जाता है, तो उस योजना के अंतर्गत जो है कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो वो किया गया है 100 करोड़ का। ये सभी क्वेश्चन जो है वो बजट से रिलेटेड है कि कितने एरिया को कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को जो है वो आपका एचपी करंट अफेयर के अंदर जो है वो कवर किया जाएगा 2019 की जो भी अभी वीडियो चल रही है। तो ये पहला पार्ट था, अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि उसी चीज का बनाने का फायदा है जो चीज आपको अच्छी लगती हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हो या बता सकते हो, कोई भी सजेशन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं सभी के कमेंट जो है वो रीड करता हूँ। और साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है वो जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।